पर्यटन नगरी खजुराहो में रविवार को लीवर और पेट की बीमारी से ग्रसित मरीजों के लिए निशुल्क शिविर लगाया गया। यह आयोजन डॉक्टर विनीत गौतम ने किया था। उन्होंने बताया कि यह शिविर अप्रैल माह में शुरू किया गया था, जो कि हर महीने लगाया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते मई और जून में आयोजन नहीं हो सका। अब हालात सामान्य होने के बाद एक बार फिर शिविर की शुरुआत हुई है। वहीं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पर्यटन नगरी के एक होटल में चले शिविर का क्षेत्र के लोगों ने शामिल होकर लाभ लिया। शिविर में जलने के बाद के विकृति वाले मरीज भी शामिल हुए, जिनका आयुष्मान योजना के अंतर्गत जीवीएल हॉस्पिटल इंदौर में निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। खजुराहो से तुलसीदास सोनी की रिपोर्ट। मैं खजुराहो को ही बिलोंग करता हूँ, आप सब लोग जानते हैं, मेरे पिताजी खुद पुजारी हैं मंदिर में, यहीं की पैदाइश है। तो शुरू से एक इच्छा थी कि मुझे अपने एरिया के लिए कुछ करना है, इसलिए अप्रैल में कैंप का स्टार्ट किया था और यही प्लान था कि हर महीने करेंगे अब इसको, क्योंकि अपने यहाँ हमारा कोई मेडिकल की अच्छी सुविधा है नहीं, लोग परेशान होते रहते हैं। तो मेरा प्लान है कि जो पेट के मरीज हूँ, लेवर उनका तो मैं खुद ही इलाज कर सकता हूँ, लेकिन उसके अलावा दूसरे मरीज भी होंगे तो एटलीस्ट उनको गाइड कर पाऊँगा कहाँ पर अच्छा इलाज होता है। तो अप्रैल में इसको शुरू किया गया था, पर उसके बाद कोरोना आ गया तो 2 महीने स्थगित करना पड़ा, वापस इस महीने स्टार्ट किया है। कोशिश रहेगी कि हर महीने करें इसे।